अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बेसन बनाना बताऊंगी जो हम नाश्ते में ब्रेकफास्ट में रोटी के साथ खाते हैं। उसके लिए मैं पैन में सबसे पहले 4 टेबलस्पून ऑयल ले लूँगी। देखिए ऑयल अभी अच्छे से हीट हो गया। मैं इसमें 1/2 टीस्पून क्यूमिन सीड्स ज़ीरा डालूँगी, फिर चॉप्ड ऑनियन स्लाइस करूँगी, फिर थोड़े से करी लीव्स डालूंगी, करिया पर करी पत्ता। अब मैं इसमें 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डालूंगी, 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर हल्दी, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर रेड मिर्ची, 1/2 टीस्पून सॉल्ट। सारे मसाले अच्छे से मिक्स होने के बाद मैं अब 4 टेबलस्पून बेसन डालूंगी। मैं बेसन को अच्छे से मसालों में मिक्स कर ली। अब हम इसको 10 मिनट्स तक भून लेंगे। मैं अच्छे से 10 मिनट भून ली। अब मैं इसमें कटी हुई हरी मिर्च डालूंगी, ग्रीन चिल्लीज और थोड़े से कोरिएंडर लीव्स। अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं 1 ग्लास पानी डालूंगी, 1 ग्लास ऑफ वाटर। देखिए बेसन बन के रेडी हो गया। मैं अब आपको सर्व करके बताऊंगी। देखिए बेसन बन के रेडी हो गया। आप इसको रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। आप भी ट्राई करिए। अगर पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर आऊँगी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।